प्यारे खूबसूरत दोस्तों, कैसे हाल चाल है। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है इस ब्यूटीफुल कमरे से। एंड आज मैंने ये बहुत ही प्यारा सा फेस मेकअप शूट किया है, जिसमें मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं कि कैसे आप अपने चेहरे को फ्लॉलेस बना सकते हैं, लाइक मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि उनका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस नहीं लगता, लाइक जैसे लोगों का लगता है, पिक्चर में लगता है, वीडियोस में लगता है। सो मेकअप फ्लॉलेस कब लगता है? जब आपकी स्किन अच्छी होती है। वैसे अगर आपकी स्किन में टेक्स्चर है वो नॉर्मल जिंदगी में कम ही दिखता है, बट जब आप मेकअप पहन लेते हैं टेक्स्चर और ज़्यादा दिखता है। सो ज़्यादा स्पेंड समय स्किन केयर पर स्पेंड करें, क्या खा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, बजाय कि मेकअप करने के। क्योंकि मेकअप यस ब्यूटी को इनहेंस करता है, वो प्रॉब्लम्स को भी इनहेंस कर देता है। बट यस, मैंने कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स शेयर की है जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने एंड फ्लॉलेस लगे, जैसे पोर्स वोर्स इतने दिखे नहीं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, जरूर से देखें, हेल्पफुल है। मेन चीज है कि अपनी स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान दें। you know, अगर कैनवस प्लेन होगा तो पेंटिंग भी अच्छी होगी, अगर कैनवस उबड़ खाबड़ होगा तो पेंटिंग भी वैसी होगी। सो चिंता मत करें, सभी के चेहरे ऐसे ही होते हैं। किसी का चेहरा बहुत ज्यादा ऐसा पिक्चर परफेक्ट फिल्टर जैसा नहीं होता है। जब आप एक दूसरे को एक सामने दामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ठीक है, एडी कोई गाल नहीं है। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करें। सो फार 11:30 हुए हैं एंड कल मैंने डिनर नहीं किया था। आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि सिर्फ एग खाया था, पति ने बना के दिया मुझे। एंड आज मैंने बहुत ज्यादा भूख लगी। So let's see what husband's making. Husband ने कहा था कि वो मुझे oats बना के देंगे, देखते हैं वो बना के देंगे या नहीं। Husband तो मीट थोड़ी काट के हम लिया क्योंकि lazy है। So husband ने मेरे लिए oats बना दिए थे दोस्तों, तो मैंने खा लिए, पर मैंने एक टोस्ट भी खाया था। एंड नाउ मुझे भूख लगी है काफी ज्यादा। ओके दोस्तों, मैं जाने वाली हूँ थोड़ी सी सब्जी की शॉपिंग करने के लिए। हेमत स्कूल से आने वाला है तो हस्बैंड हेमत को कुछ खिला पिला देंगे क्योंकि उनका काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। एक्चुअली उन्हें कल जाना है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे, कैलगरी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन ग्रॉसरीज हैं, पर मेरा कोई सब्जियां लाने के लिए मन है होन वह कल हम शायद मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे दोनों। पर अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा ऐसे ही टशन वशन मारने के लिए एंड एक दो चीज़ें मुझे करनी है एंड बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। एंड हस्बैंड ने मुझे ओट्स खिला दिए थे बाय द वे। सो मैं आई थी इंडियन ग्रॉसरी करने के लिए। बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगी है, मुझे सिर्फ भिंडी अच्छी लगी है, भिंडी फ्रेश थी। सो भिंडी ले ली है मैंने और अब घर जाके बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। यहाँ पे पास ही में हाईवे, आई डोंट नो आप मुझे सुन पा रहे होंगे या नहीं, पर घर जाने से पहले मैं कैनेडियन सुपर स्टोर भी जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से भी मैंने एक दो चीज़ें लेनी हैं। क्या मैं खुश हूँ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने भिंडी बहुत पसंद है, पर एनी भी खुश नहीं हूँ क्योंकि और कुछ नहीं मिला। क्या हस्बैंड खुश होंगे? आई डोंट नो, मे बी नो। ओके, मैं बाहर आई हूँ। हस्बैंड का ब्लड प्रेशर शायद लो हो गया है। पति, आई एम मेकिंग योर वीडियो। डैडी डैडी तो मैंने मिस कर ला पे लादा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिनर का रूटीन। आज हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पर बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। भिंडी को काट लेंगे अच्छी तरह वॉश करके। भिंडी की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है स्मॉल कैन कुक, अगर आप देखना चाहें तो। ये मेरे पास ना एक चाइनीज़ कुक करने के लिए बड़ा सा वॉक है। इसमें कोई भी सब्ज़ी बनाना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत खिली खिली सब्ज़ी बनती है, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती।
सो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ मैं इसमें कुक करना शुरू कर दिया है मैंने। भिंडी स्पेशली बहुत अच्छी बनती है इसमें। तो जब तक तड़का तैयार हो रहा है मैं ना जल्दी से बर्तन साफ करने शुरू कर देती हूँ ताकि लेट परेशानी ना हो। क्लीनिंग के साथ साथ ही कुकिंग का प्रोसेस भी जारी है। मुझे लग रहा है मेरा तड़का अच्छा हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी मिक्स कर देंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये वाली लुक, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड भिंडी का जो फ्लेवर है वो सबसे अलग है। पिंडी को बनाते बनाते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हिम्मत तो पिंडी खाएगा नहीं, सो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं जल्दी से एक दाल बना लेती हूँ मूंग की मसर की। ताकि हिम्मत उसको खा पाए, वो राइस के साथ भी खा लेता है एंड रोटी के साथ भी। सो दाल को मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, सो तड़का दाल का हम सो सबसे पहले मैं तड़का ही लगा दूँगी, उसके बाद सीटी लगा लेंगे। एंड मूंगी की दाल है तो एक ही सीटी में हो जाएगी, सीटी भी नहीं बजने की जरूरत पहली हो जाती है। Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Even if the sky is falling down. तो आज मैंने सोचा है कि क्लीनिंग का काम हम बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, अभी क्लीन कर लेंगे सारा कुछ। एंड मूंगी की दाल है तो उसमें खूब सारा धनिया चाहिए, अदरवाइज मुझे दाल बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती है। तो खूब सारा धनिया अच्छी तरह चॉप कर लेंगे।
आटा भी गूंद लिया है मैंने एंड दाल एंड पिंडी ऑलमोस्ट रेडी है एंड प्यारे प्यारे से फुलके बनाएंगे मूंगी की दाल एंड पिंडी के साथ। हस्बैंड को परांठा खाना अच्छा लगता है तो उनको परांठा बना के दे देंगे। Freezer? No, fridge. No, no. Not a freezer. Freeze, get those over. Lie, mommy, lie, lie, lie. Is that true, Himmat? You are a liar? Then why daddy is calling you liar? Dal, kehti hai bhai. Pindi te bahut zabardast lag rahi hai. इस तरह पूरा होता है हमारा ब्यूटीफुल डिनर रूटीन। क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, काम मेरा मोक ही गया है समझो। सो यस दोस्तों, आज के ब्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेरी प्यारी प्यारी वीडियोज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको कल नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आई लव यू गाइस सो मच।